हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसबीआई क्लर्क के एक दिन के एग्ज़ाम निकल चुके हैं। 3 दिन अभी और बाकी हैं एग्ज़ाम होने में, मतलब 3 दिन और एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जो एक दिन का एग्ज़ाम हो चुका है 22 फरवरी का, उसको लेकर के ही आप देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं किसका कट ऑफ किधर जा सकता है, कितना हो सकता है और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। तो एग्ज़ाम के अगर लेवल की बात करिए तो एग्ज़ाम का लेवल वैसा ही रहा जैसे पिछले साल का था, ईजी टू मॉडरेट। जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस हुए सब इजी टू मॉडरेट ही थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता। और प्री का लेवल हमेशा ऐसे ही रहता है, प्री हमेशा आपसे केवल स्पीड मांगता है, आप कितनी स्पीड में कितनी तेज़ी से कर सकते हैं। 2×2 भी करना है तो आप कितनी तेज़ी से 4 लिख सकते हैं, बस यही मांगता है। मतलब ज़्यादातर लोग उसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गिवन टाइम फ्रेम में 20-20-20 का जो टाइम फ्रेम है उसमें आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, बस वही आपसे देखी जाती है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी आप अगर मेंटेन कर ले गए तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ये इजी टू मॉडरेट आपका अगर देखा जाए पूरे शिफ्ट का, तो यही था इजी टू मॉडरेट। अगर हम यहाँ पे केवल 22 फरवरी के एग्ज़ाम की बात करें, उसको लेकर के अगर हम कट ऑफ को स्पेकुलेट करें कि क्या हो सकता है कट ऑफ, तो हम यहाँ पे एक डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कैसे आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि कट ऑफ स्टेट वाइज होता है तो आप एक ओवरऑल कट ऑफ नहीं बता सकते कितना हो सकता है, लेकिन हाँ स्टेट वाइज भी जो कट ऑफ होता है उसके अनुसार आप कुछ तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना कट ऑफ हो सकता है। तो कोई ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद करके कुछ भी बोल देने वाली बात नहीं होगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे कट ऑफ हम निकाल सकते हैं कितना हो सकता है। लेकिन अगर हम सबसे पहले 22 फरवरी के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन था या मैथ्स का जो सेक्शन था उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या आया था, वही जो हमेशा से आता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आए थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर्स जो होते हैं वो सीरीज आई थी। फिर डीआई आया था 5 नंबर का। डीआई भी कैसा था आप कह सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में था या फिर रेशियो बेस्ड जो डीआई होता है मेल फीमेल का रेशियो, ओके वो डीआई आपका आया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे गए थे, हमेशा ही पूछे जाते हैं 10 नंबर के। उसके अलावा यहाँ पे इनके जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा। और फिर जो 5वां सेक्शन बचता है सिंप्लीफिकेशन का, जहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जैसे सिंप्लीफिकेशन में नहीं कोई बहुत लंबा चौड़ा आया था, आसान ही था 10 नंबर के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते थे। जो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता था वो केवल मिसलेनियस में लग सकता था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होती है। आपको अगर किसी भी सेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है और वहीं से सवाल आ गए हैं तो वहीं पर आप केवल गड़बड़ी कर सकते हैं। बाकी तो ये जो सारे यहाँ पे सेक्शन थे ये आसान ही थे, ओके। ज़्यादातर लोगों ने जो 35 क्वेश्चन यहाँ पे थे 35 नंबर के, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने जहाँ तक अभी तक कमेंट में देख रहा था कि 30 से ऊपर किए हुए हैं, या फिर कह सकते हैं 28 से ऊपर लोगों ने किए हुए हैं। कई कुछ लोगों ने 32-33 क्वेश्चंस भी यहाँ पे किए हुए हैं। अब डिपेंड करता है कितने सही होंगे, लेकिन आसान क्वेश्चन था तो सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करें अगर रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में क्या पूछा गया था, वही हमेशा की तरह आपका सिलॉजिस्म आया हुआ था। सिलॉजिस्म में उसके साथ साथ क्या था, फिर सिलॉजिस्म के अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि इनइक्वालिटी आया हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे नंबर सीरीज आया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे 3 पज़ल पूछी गई थी, पज़ल आपसे पूछी ही जाती है आपको पता ही होगा। फिर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आए थे। फिर डायरेक्शन सेंस के अलावा अगर हम बात करें इनइक्वालिटी आपसे पूछी गई थी। फिर यहाँ पे कुछ आपसे अल्फ़ाबेट वगैरह के ऊपर सवाल पूछे गए, मतलब कुछ भी ऐसे सवाल नहीं थे जो बहुत ज़्यादा कठिन हो, जिनको आपको करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो। इसमें भी लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, 25 से ऊपर, या फिर कुछ लोगों ने 30 के ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। तो मतलब 25 से 29 के भी ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस हुए थे। एक जो इंग्लिश सेक्शन व्यवस्था है इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नया पैटर्न आया है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। देखिए इंग्लिश में कुछ भी नया नहीं होता, क्या करेंगे, ग्रामर का रूल थोड़ी ना बदल देंगे, वही सब रहता है, बस आपसे पूछने का तरीका बदला जाता है। मैथ में वो वेरिएशन कर सकते हैं भाई कि वो टफ कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे डीआई दिया जाता है तो उसको मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के साथ मिला करके दे सकते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो आया ही हुआ था, उसके अलावा क्लोज टेस्ट आया हुआ था, तो ये सब तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एरर जो डिटेक्शन है वो आपके करेक्ट सेंटेंसेस चुनने के टाइप पे आया हुआ था, कौन सा दिए गए ऑप्शन में से करेक्टली फिट हो रहा है सेंटेंस में, वो आपका था, ठीक है। तो ये सब था। उसके अलावा अगर हम बात करें और क्या यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि स्पेलिंग करेक्शन करके भी यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो वो आपके पूछे गए थे। कुछ यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन था जो आप तैयारी करते हैं ग्रामर वोकैबुलरी से लेकर के, यहाँ पे पैराजम्बल के क्वेश्चन भी थे, मतलब
सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको कहते हैं वो सब भी था, सब वही था, कोई कुछ भी आप कह सकते हैं नया ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे इंग्लिश का जो सेक्शन था वही ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम होती, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान भी आती, फिर भी कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्टी यहाँ पे होती ही होती है। लेकिन इसको भी यहाँ पे 25, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 35-35 के ये क्वेश्चंस थे, 35-35-70 ये 30 का था, फिर भी लोगों ने इसको 24-25 तक किया ही है। अगर आपने भी किया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप देखिए पूरे एग्ज़ाम का यहाँ पे लेवल देखिए तो ईजी टू मॉडरेट ही ये आपका पूछा गया था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा कठिन हो। और मैं जैसे कहता हूँ कि प्री हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, मेन जो आपका एग्ज़ाम होता है वो मेंस का ही होता है और वहीं पे फाइट भी होती है अच्छी, ओके, और वहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये तो आपका बस स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट था कि कितने जल्दी आप कितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने 90 से ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं, ओके, तो ऐसे देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ 90 जाएगी, नहीं ऐसा नहीं देखते कि कट ऑफ 90 जाएगी। कट ऑफ भी एक क्या कह सकते हैं कि एक दायरे में रहती है, ऐसा भी नहीं होगा 90 के ऊपर, वो इतने बच्चे नहीं होंगे जो 90 क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो कैसी होगी कट ऑफ। तो कट ऑफ अगर हम देखना चाहते हैं या फिर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, आप खुद से भी प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पिछले साल का देखिए, पिछले साल वैकेंसी कितनी थी, पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी, उससे पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी, कट ऑफ कितनी थी, कितने परसेंटेज से आगे बढ़ रहा है, वैकेंसी कम हो रही है बढ़ रही है, और कट ऑफ में कैसा वेरिएशन हो रहा है, उसी के हिसाब से इस साल भी होगा। क्योंकि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो कम हो नहीं रहे, ओके, वो तो आपके बढ़ते ही जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, ओके, या फिर उतने ही रह रहे हैं जितने पिछले साल थे, उसमें कोई कमी नहीं आती। कितने 8000 लोग पिछले साल सेलेक्ट हो गए होंगे, उनको नौकरी लग गई, बाकी के तो इतने लाखों में पड़े ही हुए हैं, तो उतने और लाखों की संख्या में बढ़ भी जाते हैं। तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पे इस बार की अगर आप देखिए तो पिछले बार जो वैकेंसी थी 2019 में वो 8600 से ऊपर थी, 8500 कुछ थी, उसके अलावा बैकलॉग कुछ थी, तो वही 8600 प्लस कुछ वैकेंसी थी, 8600 समथिंग, ओके। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का वो इजी टू मॉडरेट ही था, ओके, और इसकी कट ऑफ जो गई थी, हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ये 57 मिनिमम था और 81.5 लिखा था, कहीं 75 लिखा था, तो आप 81 ही ले लीजिए कि ये जो है मैक्सिमम कट ऑफ था, स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, ओके, तो 57 से 81 के बीच कट ऑफ ये रखा गया था। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये 57 था तो खुश होने की बात नहीं है, ओके, क्योंकि जो क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं और उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके ऊपर आधारित रहता है। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो वहाँ से आपके फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ कम रहती है, ओके। तो यहाँ पे जो 81 कट ऑफ गया था वो J&K का था, हालांकि इसके आसपास और कट ऑफ नहीं था। जो हम एक जनरल आइडिया लें तो जो कट ऑफ था वो 68 से 75 के बीच था, ज़्यादातर राज्यों की अगर हम बात करें तो 68 से 75 के बीच ही कट ऑफ आपका था। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी पिछले साल कौन से राज्यों में थी, तो एक तो यूपी में थी, यूपी में सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद थी महाराष्ट्र में, ये दो राज्य थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। अब इन दोनों राज्यों के अगर कट ऑफ की बात करें तो यूपी का जो कट ऑफ था वो गया था 72 point something और महाराष्ट्र का जो कट ऑफ था वो 62 point something गया था, ओके। तो इस बार की अगर हम बात करें इसी के अनुसार आप देखिए कि ये जो कट ऑफ था इस तरीके से वेरी हुआ था, और क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, इस बार की अगर आप बात करें तो इस बार जो वैकेंसी हैं वो 8000 हैं, ओके, पिछले साल से 600 वैकेंसीज कम है। तो ऐसे में सोचिए बहुत कम यहाँ पे घटोतरी हुई है, ऐसा नहीं है, आप देखिए तो बहुत ज़्यादा घटोतरी इसको कह सकते हैं वैकेंसीज में। यहाँ पे अगर आप देखिए ये 600 वैकेंसीज बार कम हुई हैं और प्री एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे रहा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट ही आपका एग्ज़ाम का होगा। यहाँ पे जैसे अगर आप देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे सिलॉजिस्म पूछा गया, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन नहीं आए, तो हो सकता है अगला शिफ्ट जो हो उसमें इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जाएँ, ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होगा, वही आपका सेम पेपर ही रहता है, बस उसके थोड़ा से सेक्शंस बदलते हैं, वैसे इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, अगर आप पिछली बार का कट ऑफ देखिए इतना था, इससे पहले जो कट ऑफ था वो यूपी का अगर देखिए 2017 में कि 16 का वो 69 नंबर का था, ओके, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे 1-2% में बढ़ रहा है। तो अगर हम उसी बढ़ोतरी को देखें और यहाँ पे वैकेंसीज़ को देखें कि जितनी कम हो रही हैं, ओके, 600 वैकेंसीज़ कम हो गई, एस्पिरेंट्स उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या आप निकाल सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है एग्ज़ाम को देखते हुए। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम केवल जैसे इस बार भी अगर देखें तो यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 865 के आसपास जो वैकेंसीज़ हैं दोनों में, एक एक दोनों राज्यों में 865 वैकेंसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा इतनी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर हम इसकी बात करें
तो इस बार भी जो कट ऑफ रह सकता है, अगर मैं यूपी की ही ऐसे बात करूं, एक जनरल आइडिया आपको लगेगा कि वो 75 प्लस हो सकता है। ओके, 75 टू 77 या 78 कह सकते हैं, इसी के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। ओके, 78 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस भी बढ़ जाते हैं, तैयारी भी अगले साल से बढ़ जाती है, एडवांस ही होती जाती है। तो इतना ये कट ऑफ रह सकता है अगर हम बात करें इस तरह से कट ऑफ की स्टेट वाइज। इसी तरह आप जिस राज्य के हैं उस राज्य का आप देखिए कि कितना पिछले साल कट ऑफ था, उसमें कम से कम 3 से 4% आप बढ़ा करके चलिए इस बार कट ऑफ आपका रहेगा, कम से कम मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा भी इससे हो सकता है। तो अगर उतने तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने जैसे ये एग्ज़ाम दिया है, आप यूपी से हैं और आप अगर 82-85 क्वेश्चंस करके आए हुए हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे ही सही होंगे, तो आप इतना भी अगर किए हुए हैं और आपको लग रहा है कि 90-95% मेरा क्वेश्चन जो है वो सही ही हैं, तो आप मेंस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए कि आप कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने जो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया है वो 70 किया हुआ है, ओके 70 क्वेश्चन ही किए हुए हैं, उसमें भी आपको ये लग रहा है कि 90% सही है, 95% भी सही है, तो आप ये जान के रखिए कि आप, मैं नहीं कह रहा कि आप बाहर हो गए, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब कट ऑफ आएगी तभी ऐसा डिसाइड होगा, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि आप एकदम स्लिम मार्जिन में हैं, कि हो भी सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, बाकी लोगों का पेपर ख़राब हुआ, जो कि जनरली आजकल हो नहीं रहा है, तो आपका भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारियों को और बढ़ाइए, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है इतना ज़्यादा फास्ट है, बच्चे इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कि जो कट ऑफ है ये बढ़ती ही जा रही है। वैकेंसीज़ अगर ज़्यादा होती तो कट ऑफ भी थोड़ा कम होती, वैकेंसीज़ कम होती जा रही हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई भी और बढ़ती जा रही है, और इसके हिसाब से कट ऑफ भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप अगर इतने इसमें हैं और इससे कम अगर किसी का है, अपने अपने राज्य के हिसाब से देखिएगा। मैं ये जो रेफरेंस मैं दे रहा हूँ 70 नंबर का, ये केवल यूपी को लेकर के दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि अगर 72 पिछली बार कट ऑफ गया था और इस बार आपने अगर केवल 70 क्वेश्चन किए, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 57 वाले को देकर के देखिए तब। इसी तरह आप अपने राज्य को लेकर के देखिए पिछले साल का कट ऑफ कितना था, अगर उतने ही क्वेश्चन आपने किए हुए हैं इस बार भी, वैकेंसीज़ का डिफरेंस देखिए कि पिछले साल अगर आपके राज्य से 250 वैकेंसी थी और इस बार केवल 50 ही वैकेंसी है, तो समझिए कट ऑफ आपका बढ़ेगा। ओके, अगर इस बार 250 की जगह 300 वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं कट ऑफ कम होगा, उतना ही रह सकता है कट ऑफ, क्योंकि बच्चे तो बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको देखना होगा। फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है कट ऑफ में इस बार 3 से 4% की बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लियर हो जाए, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और ये प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। ईगो पे मत लीजिए अपने बात कि कोई क्वेश्चन अटक गया तो मैं उसको करके ही रहूँगा, ऐसे कैसे अटक गया, छोड़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे होंगे कि आप उसको सही करके आगे बढ़िए और आपका सिलेक्शन हो। मेन एग्ज़ाम तो यहाँ पर मेंस का ही होगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे प्री देंगे, इसके 10 गुना जो है बच्चे बुलाए जाते हैं मेंस के लिए, कैटेगरी वाइज। ओके, ऐसा नहीं 8 का 80 हज़ार हो जाता है, वही समझिए उतना ही रहेगा, कैटेगरी वाइज रहेगा। मान लीजिए जैसे यूपी की हम बात करें, तो यहाँ पे 865 मान लीजिए वैकेंसी हैं और इसमें 300-400 अनरिजर्व्ड होंगी, तो 400 अगर अनरिजर्व्ड हैं तो इसमें से अगर 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये मत यहाँ पे 4000 लिख दिया था, यहाँ पे 4000 लोग जनरल के बुलाए जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के मेंस के लिए। ओके, इसी तरह आप अपने राज्यों का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 गुना लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज हर एक स्टेट से। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, और उसके अलावा एग्ज़ाम ऐसे ही देना है कि आप अपने आप को एकदम सेफ जोन में रख के चलें, एकदम बॉर्डर लाइन पर रख के मत चलें, सेफ जोन में रख के चलें। प्रयास करिए जब आसान पेपर आ रहा है इस तरीके से, तो स्पीड को आप अपने बढ़ा सकें, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उसको आप और इंक्रीज़ कर सकें। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके सामने, तो 100 में प्रयास करिए 90 क्वेश्चन करने का। ओके, प्रयास करिए 90 क्वेश्चन करने का, अगर 90 का आप प्रयास करेंगे तो 80 प्लस तो कर ही के ही आएंगे, लेकिन जब आप प्रयास या फिर अपना टारगेट ही रखेंगे कि मुझे 80 क्वेश्चन करना है कम से कम, तब आप 65 से 70 के बीच क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपना प्रयास करिए कि 90 क्वेश्चन करने हैं तो 80 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे और आप सेफ जोन में रहेंगे। इसके नंबर वगैरह तो जुड़ते नहीं हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वही आपके लिए एकदम कह सकते हैं कि फाइनल वो आपके लिए होगा, जितने नंबर उसमें पाएंगे जैसा एग्ज़ाम देंगे वैसे ही आपका सिलेक्शन होता है। ओके,
तो ये मेरी तरफ से एक एनालिसिस थी। बाकी के जो एग्ज़ाम होंगे, अगले एग्ज़ाम होंगे, 29 फरवरी को अगला एग्ज़ाम है, कैसा होगा वो एग्ज़ाम मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो कट ऑफ है ये वैसे ही चलेगा या फिर इसमें और कुछ यहाँ पर डिसबैलेंस होगा। अभी तक का अनुमान तो इतना ही है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने मेंस की तैयारी हमेशा करिए। मैं हमेशा सजेशन यही देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स उसमें इंक्लूड हो जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस को आप आगे चल के कवर नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिहाज से सही वीडियोस और अच्छे वीडियोस मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।